क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है यार। तब से फर्क रहा है, रुक ही नहीं रहा। तुम ना अतरंगी हो एकदम। अरे सच में, जब से शेरनी देखा हो ना, सब डर लग गया अंदर से। कभी भी लगता है ना सामने से आ जाएगा, इसीलिए फड़क रहा है। तुम यहाँ रुको, मैं 2 मिनट सामान लेकर आती हूँ शॉप से। आजा आजा। हाँ वो व्हाइट वाला अच्छा है, ले लीजिए। उसका भी डिजाइन नीचे वाला जो है ना, लाल कलर ठीक लग रहा है, ले सकते हैं। क्या बदतमीज आदमी है, आँख मारा है वो भी सरेआम। कौन? अरे तुम? नहीं नहीं, अरे आपको गलतफहमी हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, वो ऐसा फरक रहा है। आँख मारना तो इसे कहते हैं ना। देखिए गजा 30 डिग्री इधर आया, ये तो हल्का हो रहा है। अब रहने दो, ऐसे शरीफ बनने की कोई कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ तुम जैसे लफंगे कैसे होते हैं। अरे क्या बात कर रही हैं आप? अरे देखो ये आदमी मुझे आँख मार रहा है। क्या कर रही हैं आप? आँख का? अरे देखो। नहीं 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 नहीं, पति है ये मेरे। वो एक्चुअली इनकी आँख में ना आज कुछ प्रॉब्लम हो गया है। पति है ना तो घर में रखो ना अपने पति को, दूसरों की पत्नियों को क्यों चढ़ रहे? अरे तो मेरी पत्नी ने दलील दे दी है ना, तो फिर आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? घर का मामला है क्या? चोकर कहीं का। सॉरी हाँ, तुम चलो यहाँ से, ना बेइज्जती करवाते हो मेरी सबके सामने। अरे नहीं, क्या देख के मैंने तुमसे शादी की? अरे स्वीटहार्ट, डार्लिंग, चिल यार। लो निशान। आदिति तुम अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और इतने सालों से कहाँ गायब थी? कॉलेज के बाद अब जाके दर्शन हो रहे हैं तुम्हारे। What a surprise! You're looking so good, Aditi. Thank you. और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? बहुत कुछ चल रहा है, आओ बताती हूँ तुम्हें। हाँ चलो ना। डार्लिंग बेटा, आ जाओ चाय पी लो। रोहित, रोहित। हाँ बोलो। माया कहाँ है? बुटीक पर है। बुटीक पे? नहीं, इस हालत में उसे इतना काम नहीं करना चाहिए, उसे आराम करना चाहिए। समझाया मैंने उसे, पर वो बोल रही कि शॉप अच्छी नहीं चल रही है, तो वो भी बैठेगी साथ में। क्या बताऊं उसे मैं अभी? ठीक है। सविता थोड़ी यूं यूं करके चाय ठंडी कर रही थी अपनी लाडली बहू के लिए। श्रेया चाय तैयार है, अब देख मैं क्या करती। श्रेया बेटा आराम से आराम से। अच्छा बेटा चाय पी ले, और गरम चाय से मुंह जलता है ना, तो मैंने पहले थोड़ी ठंडी करके रखी। मम्मी कितना ध्यान रखते हैं आप मेरी। आराम से। सविता चाय दोनों जल्दी से ले लीजिए ना, ज्यादा गरम नहीं है। हाँ अरे हाँ ये अच्छा हो गया। पापा पापा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या गरम खोलती चाय पिला दी सविता? ध्यान कहाँ है तुम्हारा सविता? मुंह में आग लग गई, अंदर तक पूरा जल गया है। मैंने अपने हाथ से ठंडी की थी चाय। देखो कितनी गर्म है। अच्छा मैं देखती हूँ। सविता कितनी गर्म है, मुझे इतना जोर से झटका लगा। सोचो अगर श्रेया ने पी होती तो। श्रेया तूने पी तो नहीं ना बेटा, तू ठीक है ना? हाँ मम्मी। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मम्मी होता है, आप बस थोड़ी थकी हुई है। चलिए आराम कर लीजिए, आइए। जीजा जी आप ना मुंह में बर्फ डाल दीजिए। ऐसे कई नुस्खे हैं मेरे पास, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब बताती रहूंगी। क्या है, रोज ऐसे ऐसे कांड तो सविता करती रहेगी घर में। देखो ये ना आज गरम गरम चाय पिला दी, क्या पता कल को गैस खुला रख दे या फिर खाने में तेल की जगह फिनाइल भी डाल दे। उसे जब दौरे पड़ते हैं ना ऐसा ही करती है वो। सॉरी, इतने साल सविता ने हम सबका इतना ध्यान रखा, यहाँ अचानक हो क्या गया उससे? अरे मैं तो पहले से कह रही हूँ, आप नहीं मान रहे हैं। उसे डॉक्टर को दिखा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा देर हो जाए। मैंने कहा था ना एक डॉक्टर है मेरी नजर में, आपको लगे तो कह दीजिएगा, मैं ले चलूंगी आपको। ये है मेरी कोचिंग सेंटर। हाँ आदिति, रियली इंप्रेसिव। सीरियसली वेरी नाइस आदिति यार। वैसे तुम हमेशा से अच्छे स्टूडेंट रही थी कॉलेज में, तो मुझे लगा ही था कि जो कुछ भी करोगे ना बहुत अच्छा करोगे तुम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू टुडे। थैंक यू। वेरी नाइस। अच्छा सुनो, तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? कौन है वो लकी मैन? एंड आई एम श्योर कि तुम्हारी चॉइस हमेशा से क्लासिक ही रही है, और जो भी तुमने पसंद किया होगा ना वो लड़का जरूर बहुत हैंडसम, 6 फीट और 6 पैक वाला ही पसंद किया होगा, है ना? कैसे भी कपड़े पहनकर आ जाते हैं, इन्हें कैसे भी लवली शाम से। तो आप जल्दी से बताओ कि तुम अपने पतिदेव से मुझे कब मिलवा रही हो? हाँ वो अभी ना यहाँ पे नहीं है, बाद में मिलवाती हूँ ना। चलो कोई बात, बट नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। सुनो, ये कंजक्कर कौन है? कब से हमें घूरे जा रहे हैं, लगता है हमारा पीछा कर रहा है ये। हाँ, अरे वो सब छोड़ो तुम। अरे तुमने मेरा स्टडी मॉडल्स नहीं देखा अभी तक? नहीं। तुम भी ना। चलो आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, आओ आओ। ये देखो सविता, माँ मैं जानती हूँ रात को यूं सफाई वाला दिखना, आपके वाहन उल्लू का मेरे घर के आसपास होना, ये सब संकेत है कि आप बहुत जल्द मेरे घर आने वाली है। तो मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा है, कब आपके नन्हे स्वरूप को अपने हाथों में लूंगी, खूब लाड लड़ाऊंगी मैं। मम्मी मुझे बाहर जाना है। क्यों? क्या चाहिए तुझे? कुछ चाहिए था तो मुझे बोलना, मैं लाके दूंगी तुझे, सारे काम कर दूंगी तेरे लिए। प्लीज जाने दो ना, दिन भर से घर में बैठी हूँ। तू मुझे बोलना, तू अकेले कहीं नहीं जाएगी श्रेया। ये कुछ शॉप के फाइल से पापा को देनी है। तो मैं किसी के हाथों तो भिजवा दूंगी। हाँ, तू कहीं नहीं जाएगी, आजा आराम कर। मम्मी का बस चले ना तो सच में सर पे बिठा के घूमे अपनी लाडली बहू को। मैं तो दिखाई ही नहीं देती मम्मी जी को। ओहो, सिलाई बुनाई का काम कर रही थी दादी माँ। अब देख तेरे दिमाग का धागा मैं कैसे खींचती हूँ। जाल बिछ चुका है, देखती हूँ कौन बेचारा आकर इस पर बैठता है। सैड। अरे माया, हाँ आ बेटा आजा बैठ। बहुत थकी हुई दिख रही है। हाँ ताई जी, बहुत थक गई हूँ। कितनी मेहनत करती है बच्ची। भाई सबकी किस्मत इस बारबी डॉल जैसी थोड़ी होती है जो दिन भर घर में बैठ के ऐश करे, और एक सास है जो पर्सनल सेक्रेटरी की तरह आगे पीछे घूमती रहे, जमीन पर पैर तक न रखने दे। सैड। ये सब छोड़िए ना ताई जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है। अरे सविता, तेरा ख्याल नहीं रखती तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, अभी कुछ गरम गरम बना के लाती हूँ तेरे लिए। हाँ, तू बैठ जा। हाँ? माया, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। कितनी अच्छी साड़ी लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या? क्या हुआ ताई जी, क्या हुआ? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे इसे कहते हैं अपने बिछाए जाल में खुद फंस जाना। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हैं आप? मुझसे क्या पूछ रहे हो, उसे पूछो जो यहाँ बैठ के सिलाई बुनाई कर रही थी। सिलाई तो मैं कर रही थी, पर क्या हुआ दीदी? कविता, दिमाग कहाँ है तेरा? सिलाई करके सुई यहीं छोड़ दी सोफे पर। मुझे लग गई इस जन्म का बदला ले रही है मुझसे। नहीं नहीं, मैंने तो सुई डब्बे के अंदर रख दी थी। अच्छा तो उसको पैर फूटे क्या कि यहाँ चुप गई मुझे। सविता क्या हो गया, पहले अपने पति का मुंह चला दिया और अब मेरी तशवीश में। ये सविता क्या हो गया तुम्हें आजकल? ये दूसरी बार ऐसी लापरवाही करी हो तुम। मैंने सचमुच डब्बे के अंदर रखी थी। अरे तुम कर क्या रही हो, करती क्या हो, करके भूल जाते हो, याद कुछ रहता नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे ही चलता रहा ना तो बैठे बिठाए कोई बहुत बड़ा हादसा कर बैठोगी तुम। पापा प्लीज शांत हो जाइए। मम्मी क्या हुआ, सब ठीक है, कोई टेंशन है क्या आपको? नहीं श्रेया, मैंने सचमुच सुई डब्बे के अंदर रखी थी। इट्स ओके मम्मी, होता है ऐसा, आप स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना आपके साथ। गली का कुत्ता उसके जाने की गम में सविता बिल्कुल बावली सी हो गई थी। अभी भी देखो ऐसी हालत है उसकी। पता नहीं क्या हो गया सविता को, ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। कहीं कविता भाभी सच तो नहीं कह रही है? कहीं सविता का दिमाग सच में तो सुई भले ही मुझे चुभी है लेकिन दर्द तो तुझे होगा सविता। अब जल्दी तेरे पति को यकीन हो जाएगा कि तेरा दिमाग फिर गया है। तू जाएगी दिमाग के डॉक्टर के पास और श्रेया और उसके बच्चे तक पहुंचने का रास्ता हो जाएगा क्लियर। अरे कोशिश तो कर रही हूँ ना, पर क्या करूँ, वो सविता ना श्रेया के साथ ऐसे पूंछ की तरह चिपकी हुई रहती है। पर इस बार तो मैंने भी ऐसा प्यादा फेंका है कि देखना बहुत जल्द उसका पति खुद उसे पागल के डॉक्टर के पास ले जाएगा। तब तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, तब तुम श्रेया को किडनैप कर लेना। आपके भरोसे रहा ना तो वो श्रेया को बच्चा हो जाएगा और हमारे हाथ में लगेगा कद्दू। ए, ज्यादा सुरमा बनने की जरूरत नहीं है। तूने कौन सा तीर मार लिया श्रेया को किडनैप करके? कम से कम मैं कोशिश तो करती हूँ सविता को रास्ते से हटाने की। अब क्या गाड़ी चलवा दूं उस पे? बात कर रहा है। क्या कहा आपने? क्या कहा? कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूँ सविता को हटाने की, रास्ते से गाड़ी चला दूं उस पर। ये हुई ना बात, पहली बार आपके मुंह से पते की बात निकली। क्या क्या बात कर रहे हैं कविता दीदी? अब देखना कैसे मैं एक झटके से सविता दीदी को अपने रास्ते से हटा देता हूं। क्या करने वाला है तू? चौबीस, 25, 26। मम्मी हो गया ना, पार्क तक होके आती हूँ ना, घर बैठे बैठे बोर हो गई। नहीं 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 नहीं, पार्क में नहीं जाएगी, जो टहलना है यहाँ मेरे सामने टहल। चल शुरू हो जा। श्रेया पानी पिया बेटा। अरे 1.25 घंटे से पानी नहीं पिया तूने, रुक। ये क्या कर रही है? गर्मी के दिन चल रहे, ये ले पानी पी। मम्मी कितना ध्यान रखती है आप मेरा, लेकिन मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। बच्ची ही तो है तू मेरी। अरे एक और छोटी सी बच्ची आने वाली है, उसका ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। आपको कैसे पता कि बच्ची आने वाली है? बस पता है। ला मम्मी, पिछले कुछ दिनों से यही झाड़ू लगाते हुए नजर आता है। लक्ष्मी माँ आने वाली है ना, इसलिए। मतलब जब घर के सामने से ऐसे कोई झाड़ू मारता हुआ दिखाई दे या फिर उल्लू नजर आए तो ये संकेत होता है कि घर में लक्ष्मी आने वाली है। आप और आपके फंडे कमाल है। जय बेटा, तूने विटामिन ली? आधे घंटे पहले उसका समय था। ध्यान से उतर गया मम्मी। ध्यान से उतर गया? ऐसे कैसे ध्यान से उतर गया? श्रेया इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है, ये तेरे और तेरे बच्चे की सेहत का सवाल है। वो भूली तो भूली, मुझे क्या हो गया है? मेरे कैसे ध्यान से निकल गया? नहीं अंदर जा, पहले विटामिन ले ले। ओके माते। इस सविता को हो क्या गया आजकल? इतनी बौखला क्यों जाती है? सविता दीदी, आप श्रेया और श्रेया के बच्चे के बॉडीगार्ड तो बहुत बार बन चुके हैं। अब देखना ये है कि आपका बॉडीगार्ड कौन बनेगा जब आप ये स्कूटी लेके निकलेंगे, वो भी बिना ब्रेक्स के। जीवन की चुनौतियों में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो बल के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि बल आपको केवल लड़ना सिखाता है किंतु बुद्धि जीतना। जिस प्रकार दुर्योधन ने वासुदेव कृष्ण से उनकी नारायणी सेना को मांगकर बल को चुना था, किंतु अर्जुन ने स्वयं कृष्ण को ही मांगकर बुद्धि को चुना। परिणाम तो सबके सामने है। जब बुद्धि का प्रयोग करके अपने बल को सही दिशा प्रदान करेंगे तभी तो लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। आप समझे ना, मेरी ये शुभ बातें और लाभ की बातें समझते रहिए, क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती है और तभी घर में आती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.